हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अज़रा खान फिटनेस। ये है हमारा थर्ड वीक ऑफ आर 21 डे चैलेंज। आई स्टार्टेड 21 डे चैलेंज 2 वीक्स बैक, जहां पे मैंने हर हफ्ते 2 लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लिए शेयर किए थे एंड बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। #AK एक्सेप्टेड लिख के उन्होंने शो किया कि उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 21 डे चैलेंज हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ओवरऑल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है एंड आप में से बहुत सारे लोगों को इस चैलेंज का ऑलरेडी फायदा हो चुका है। ये लास्ट फेज है ऑफ दिस 21 डे चैलेंज एंड आप मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2 और लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके साथ साथ आपको जो मील प्लान मैंने बताया था उस तरीके का मील प्लान ही फॉलो करना है जो मैंने फर्स्ट वीक इटसेल्फ में आपके लिए दे दिया था। उसके अलावा मेरा एक 10 डेज का बेली फैट चैलेंज भी चल रहा है जिसमें आपको 10 वर्कआउट्स करने हैं एवरी सिंगल डे फॉर 10 डेज एंड यू आर गोइंग टू लूज सम इंचेस फ्रॉम योर बेली फॉर श्योर, तो उसको भी जरूर देखें। बट आज की वीडियो में 21 दिन का चैलेंज का लास्ट फेज में हम लोग आखिरी हफ्ते में हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज किया अपने रिजल्ट्स, आप 2-4 केजीज तक बहुत सारे लोग का लूज हुआ है, किसी का 2.5 किलो, किसी का 3 किलो, मतलब सबकी कोई ना कोई प्रोग्रेस हुई है। तो अगर आपने ये 21 डे चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने क्यूरेट किया हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट। आप आज से अपना 21 दिन का चैलेंज शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब मैंने डाला था वीडियो तभी से आप वो चैलेंज फॉलो करें, आपका 21 दिन कभी भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 2 और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको करने हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस 21 डे चैलेंज। पहले 4 जो लाइफस्टाइल चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में लेके आ चुके हैं इस चैलेंज की वजह से, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीक में मैंने आपको बोला था इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने के लिए और उसके साथ साथ आपको ब्रेड कंज्यूम करना रोक देना था इस 21 दिन के चैलेंज में। हर वीक जो वीडियोस अपलोड किए तो उसमें आपको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आना है, जो फर्स्ट वीक में चीजें आप कर रहे हो उसके साथ साथ जो मैं अब बताऊंगी वो करनी है एंड उसके साथ साथ अब मैं जो लास्ट फेज में आ गई हूँ तो आपको टोटल 6 चीजें एक साथ करनी होंगी, पहले 2, उसके बाद 4 एंड अब 6। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, नो ब्रेड। सेकेंड वीक में मैंने इंट्रोड्यूस फास्टेड कार्डियो, इसका मतलब कि सुबह उठ के आपको फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करना है सिर्फ 10 मिनट, बाकी वर्कआउट आप पूरे दिन में कभी भी करें बट उठने के बाद ही आपको फास्टेड स्टेट में बिना कुछ खाए हुए थोड़ा सा कार्डियो करना है सिर्फ 10 मिनट का। इस हैबिट को स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोग जिनका ये शिकायत था कि वो कुछ भी कर ले वजन कम नहीं होता, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला कि उनका वेट शिफ्ट हुआ है। सो दैट इज अ रियल। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी थी week 2 में वो थी व्हाइट शुगर को क्विट करना एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया इंस्टाग्राम पे कि जब से उन्होंने व्हाइट शुगर क्विट किया है उनके स्किन का टेक्सचर भी इन्हांस हुआ है और उनका वेट भी काफी लूज हो रहा है। सो इट इज अ गुड थिंग। 4 चीजें आप लोगों ने कर ली, अब ये जो 2 चीजें हैं उनको करने का समय आ गया है। पहली हैबिट जो आपको अडेप्ट करनी है वो है डिनर से रिलेटेड, डिनर किस टाइम पे ले और कितनी पोर्शंस में ले, किस तरह का डिनर ले उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका वेट लॉस। अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में है तो आपको सबसे लाइट मील अपना डिनर रखना होगा क्योंकि आप डिनर करने के बाद ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते, आप सो जाते हैं, तो कोई मैथ्स लगाने की जरूरत, और द लेसर एक्टिविटी यू डू उस हिसाब से आपको खाना खाना है। तो रात को एक्टिविटी कम है तो आपको अपना लास्ट मील बहुत लाइट रखना है। सिर्फ 7 दिन के लिए आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ सूप, बी इट स्पिनच सूप, बी इट मिक्स वेजिटेबल सूप, बी इट चिकन सूप, कोई भी सूप आप ले सकते हैं। 2-3 तरह के सूप्स मैंने इस चैनल पे शेयर किए हुए तो आप उनकी रेसिपी देख के उसको ले सकते हैं। 7 दिन तक आपको सूप ही लेना है इन योर डिनर और डिनर कंप्लीट करने के अराउंड 3 घंटे बाद ही आप सोए, उसके पहले ना सोए क्योंकि थोड़ा सा टाइम डिनर को डाइजेस्ट करने के लिए भी अपनी बॉडी को आपको देना चाहिए। लेट डिनर्स बिल्कुल अवॉइड करना है इस 7 दिन के लिए एंड प्लीज आप सिर्फ सूप स्पेस डिनर इस 7 दिन, यू आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग चेंजेस। सिर्फ वेट लॉस में नहीं आपका इंच लॉस भी होगा बहुत अच्छी तरीके से। द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज स्टिक टू कार्ब्स इन योर लंच। नाउ आपको अपने दाल रोटी या चावल या सब्जी जो भी खाना है कोई रोक नहीं है उस पर, बट आपको लंच में ही उसको खाना है। ब्रेकफास्ट आपका हाई प्रोटीन होगा तो उसमें आप मूंग दाल चिलास ले सकते हैं या आप एग्स ले सकते, सॉल्टेड मशरूम्स ले सकते हैं, सॉल्टेड स्पिनच विद 1 मूंग दाल चिला, इस तरीके से आप अपने मील्स को प्लान कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, बट आपको जो मेन कोर्स आपका लंच होगा उसमें आप कार्ब्स लेंगे, ये कोशिश करेंगे सिर्फ एक फॉर्म ऑफ कार्ब्स लें। अगर आप चावल ले रहे हैं तो आप रोटी नहीं लेंगे, अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप चावल नहीं लेंगे। इस तरीके से आपको अपने डाइट को मैनेज करना है, कार्ब्स ओनली एट लंच, डिनर में सिर्फ सूप। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है इस 7 दिन के पीरियड में।
एंड दिस विल कम टू अ कंप्लीट 21 डे चैलेंज 6 चेंजेस के साथ। जब आप वेट लॉस कर लेंगे तब जरूरी नहीं है कि आप सूप पिए, कभी सूप कभी डेफिनेटली चलेगा, बट इफ यू आर इन योर वेट लॉस जर्नी और आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेट लूज करना है तो ये टिप जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफस्टाइल में एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। द लाइटेस्ट द डिनर इज द मोर इट इज बेटर। उसके साथ साथ कहने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना वर्कआउट प्रॉपर रखना है, वर्कआउट करना ही करना है अपार्ट फ्रॉम फास्टेड कार्डियो। आपको 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, अपने स्टेप्स को चेक में रखना है, बेसिकली एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है आपको। ये सिर्फ इस 21 दिन के लिए रहे, थ्रू आउट योर लाइफ आपको अडेप्ट करना चाहिए। जब तक आप अपना वेट लॉस गोल अचीव ना कर ले तब तक थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहिए, उसके बाद मेंटेनेंस फेज आता है, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी ऑन स्टेप्स टू टेक हाउ यू कैन मेंटेन योर वेट, या मैं अपना ही 25 किलो वजन मैंने कैसे मेंटेन किया हुआ है आफ्टर वेट लॉस उसके बारे में एक वीडियो बहुत जल्द डालूंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि वेट लॉस के बाद क्या करें, वरना फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब तक डाइट फॉलो करना है, इट इज अ लिटिल स्ट्रेसफुल। So yeah, this is our week 3. I hope you follow these two steps as well along with your workout, along with a healthy diet. Get some amazing results. Comment section में जरूर बताइएगा आपके results कैसे रहे after completing this 21 day challenge. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं जहाँ पे मैं daily updates देती रहती हूँ, मैं किस तरह का खाना खा रही हूँ, किस तरह का workout कर रही हूँ, और वहाँ पे मैं on and off वर्कआउट वीडियोस भी डालती रहती हूँ, सो दैट यू गेट अ लिटिल मोटिवेटेड। उसके साथ साथ मैं अपने क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, सो डेफिनेटली फॉलो मी देयर इफ यू वांट टू गेट अ लिटिल पर्सनल अपडेट्स अबाउट हाउ आई डील विद क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग। सो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस 21 डे चैलेंज एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। पसंद आया तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस लाइक दीस। आई एम गोइंग टू सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय।